नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार एवं भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मित्रों, मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के चैप्टर को अच्छे प्रकार से पढ़ने के बाद यदि आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं तो आप दोनों को यानी मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों को अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे। तो यहां पर मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों की तुलना करना है। मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में अंतर, एक तरफ मूल अधिकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य के नीति निदेशक तत्व। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा है, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है, जबकि नीति निदेशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरी तुलना है, मूल अधिकारों की कुल संख्या यहां पर 7 लिखा है तो यहां पर 6 कर लीजिएगा, क्योंकि मूल संविधान में मूल अधिकारों की कुल संख्या 7 थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से मूल अधिकारों की कुल संख्या 7 न होकर अब कितनी है, 6। यहां पर आप संशोधित करिएगा, मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 है, जबकि नीति निदेशक तत्वों की कुल संख्या 14 है। ठीक है, तो मूल अधिकार कितने हैं, 6, और नीति निदेशक तत्व 14। इसके बाद अगला पॉइंट है, मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं, इनके हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। दूसरी तरफ राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानून के रूप में न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार से इनको कह सकते हैं मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, न्यायोचित हैं या फिर न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी है। ऐसे ही नीति निदेशक तत्व गैर न्यायोचित हैं और यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी नहीं है। इसके बाद अगला है, मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं, जबकि मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं यह राज्य को बताते हैं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। यह राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। दूसरी तरफ नीति निदेशक तत्व सकारात्मक हैं, यह बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, मूल अधिकारों का उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है या फिर राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य है। दूसरी तरफ सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अगला पॉइंट है, मूल अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है, यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में नागरिक शरण
ले सकते हैं, किंतु नीति निदेशक तत्वों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, ये नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता इनको प्राप्त है। राज्य का कर्तव्य है कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करे, किंतु यदि राज्य इनको लागू नहीं करता तो इसके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। इसके बाद आठवां पॉइंट है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः लागू है, कोई अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की कानून की आवश्यकता होती है, यह स्वतः लागू नहीं होते हैं। नीति निदेशक तत्वों में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया है और इन अनुच्छेदों के अनुपालन में सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा तरह तरह की लोक कल्याणकारी राज्य योजनाएं कानून बना करके चलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से राज्य की नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों का आपने तुलनात्मक अध्ययन किया है। अधिकांश बातें मूल अधिकार के चैप्टर के अंतर्गत एवं नीति निदेशक तत्वों के चैप्टर के अंतर्गत अच्छे प्रकार से समझा दी गई थी, इसलिए अब यहाँ पर ज़्यादा विस्तार करना उचित नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।